वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि ए मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, कोई मैट्रिक्स गिवन होगी इस तरीके से, ठीक है, ए आई जे इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है, और ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर की क्या होगी, स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसका, फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे गिवन मैट्रिक्स होगी कोई, उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज और किसके बराबर होगा, एडजॉइंट के, ठीक है। कैसे, जैसे बेस क्या था हमारे पास, कि कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, उससे क्या फाइंड आउट करेंगे हम, माइनर, माइनर माइनर जैसे एम आई जे, ठीक है, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब ए आई जे किसके बराबर था, माइनस वन की पावर, ठीक है, आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स गिवन है उसके बाद हम डायरेक्ट कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें प्लस या माइनस का साइन आएगा बेसिकली, ठीक है, जो माइनर होगा, कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, किस मैट्रिक्स का, जो ये कोफैक्टर से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास कि जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, क्या ऑर्डर है, 2 by 2 ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर, दो रो है और दो कॉलम है ऊपर से नीचे, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब ए 1 1, जैसे आई जे का मतलब कौन सी रो है, कौन से कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हमारे पास, 1 1 1 है जैसे यहां पर, तो कोफैक्टर ऑफ 1 का क्या होगा, माइनस 1 की पावर आई प्लस जे, आई क्या है 1 प्लस जे कितना 1 इंटू, इंटू में माइनर, और माइनर कैसे फाइंड आउट करते थे, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, पर्टिकुलर एलिमेंट की रो को डिलीट कर दो और कॉलम के डिलीट कर दो, क्या बचेगा 4, उसका डिटर्मिनेंट 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही होता है, इस तरीके से, तो किसके बराबर होगा, माइनस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। स्क्वेयर को कैसे यहां पर डिफाइन करते हैं, जैसे माइनस 1 की पावर n, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कि रिजल्ट 1 होगा, माइनस 1 होगा कब, जब पावर क्या हमारे पास इवन, और माइनस 1 जब पावर हो ओड, इस तरीके से, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, यहां पर माइनस 1 की पावर 2 है, 1 प्लस 1 2, 2 क्या होता है इवन, इवन नंबर है 2, तो क्या होगा प्लस 1, इसका रिजल्ट प्लस 1 इंटू 4 4, इस तरीके से। इसके बाद ए 1 2 मतलब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ठीक है, उसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनस 1 की पावर आई प्लस जे, आई है 1 और जे 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 का, माइनर ऑफ 1 2 का मतलब इस 2 के लिए इसकी रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा 3, माइनस 1 की पावर कितनी यहां पर 3, 3 क्या होता है ओड के लिए माइनस का साइन, तो माइनस 3, इस तरीके से। इसी प्रकार ये 2 1 के लिए क्या होगा, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ ए 2 1 का मतलब है 3, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हमारे पास 3, इसकी रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा 2, इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 2 और ए 2 2, 2 2 मतलब 4 के लिए, तो क्या होगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू इस 4 के लिए इसकी रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा 1, यहां पर क्या माइनस 1 की पावर 4, 4 क्या होता है इवन नंबर, इवन होगा तो प्लस 1, तो 1 इंटू 1 1, इस तरीके से, ठीक है।
तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए किस मैट्रिक्स का, ए का, किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज का मतलब यहां पर साइन डैश या फिर टी, ठीक है, किस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनी है जी उन मैट्रिक्स के, मतलब A11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या, 4, फिर इसी प्रकार -3 -2 और 1, इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था कि रो को कॉलम में बदलेंगे, nth रो को nth कॉलम के अंदर, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर, 4 -3 को इस तरीके से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर इस तरीके से, ठीक है। हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रिक क्या है यहां पर, जैसे हमें डायरेक्ट ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, डायरेक्ट ए मैट्रिक्स गिवन होगी और उससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करें डायरेक्ट, ठीक है, बिना इनको सोल्व किए। कैसे होगा, एडजॉइंट की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, इसी ऑर्डर की होगी, मतलब 2x2 ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की सेम है यहां तक तो, ठीक है। फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब 1 4, ठीक है, इनको इनको यहां पर इंटरचेंज कर दो, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, 1 की जगह 4 लिख दो और 4 की जगह 1 इस तरीके से, ठीक है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है, क्या रिमेनिंग एलिमेंट, 2 है 3 है, ठीक है, इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनको माइनस से मल्टीप्लाई, 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है, और 3 को -3 से इस तरीके से, और ये क्या था हमारे पास, रिजल्ट था 4 -2 -3 1 इस तरीके से, ठीक है। हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहां पर, कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो सिर्फ, ठीक है, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो 2x2 की, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको तो इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, मतलब 1 की जगह 4, 4 की जगह 1 इस तरीके से। फिर क्या करेंगे हम कि जो डायगोनल एलिमेंट से अलग एलिमेंट है, मतलब रिमेनिंग या फिर अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब होता है साइन को चेंज करेंगे, चेंज देयर साइन, चेंज देयर रिस्पेक्टिव साइन, मतलब 2 को अलग से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को अलग से माइनस से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर -2 होता हमारे पास, लेट कर लीजिए यहां पर -2 है इस एलिमेंट पर, ठीक है, तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, +2। इस तरीके से हम डायरेक्ट भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का, कंडीशन यहां पर यह है कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, किसका, कि मैट्रिक्स क्या हमारे पास, स्क्वेयर मैट्रिक्स हो, ठीक है, थर्ड ऑर्डर स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 उसके अंदर रो और 3 कॉलम, ठीक है, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, एलिमेंट उसके अंदर कुछ भी हो, जैसे 1 है -1 0 2 3 -1 5 1 4 इस तरीके से, ठीक है, 3 रो है हमारे पास, रो का मतलब लेफ्ट से राइट, ठीक है, और ऊपर से नीचे कॉलम कितने हैं, 3, तो 3x3 ऑर्डर स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले बेसिक रूल तो वही है हमारे पास कि सबसे पहले कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ
ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट जो यहां पर एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, जैसे ए आई जे जो एलिमेंट है वो क्या हो सकते हैं यहां पर, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। कॉम्प्लेक्स का मतलब रूट में नेगेटिव या फिर आयोटा के बराबर, ठीक है, रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे यहां से, कोफैक्टर, ठीक है, माइनर भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, कोफैक्टर भी, ठीक है। उसमें किस चीज का फर्क है, सिंपली माइनस वन की पावर आई प्लस जे। तो जैसे ए वन वन, वन वन का मतलब फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, क्या है, वन, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर माइनस वन की पावर आई प्लस जे, मतलब क्या था हमारे पास, ए आई जे किसके बराबर था, माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। माइनस वन की पावर आई कितना, वन, जे कितना, वन, तो वन प्लस वन टू, इस तरीके से इंटू, ठीक है, इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर ऑफ दैट एलिमेंट कैसे होता है, जैसे वन का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम के डिलीट कर दो, और उसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, इसकी रो को डिलीट की, इसके कॉलम को, क्या बचा हमारे पास, थ्री माइनस वन वन फोर, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स में तो डायरेक्ट यहां पर क्या होता था, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो उसके इक्वल होता था डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है, वहां पर तो फर्स्ट ऑर्डर का होता था, यहां पर सेकेंड ऑर्डर का। इसका डिटर्मिनेंट कैसे होता है, माइनस वन का स्क्वेयर, पावर क्या हमारे पास, इवन, इवन है तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस वन इंटू में। इसका डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते थे, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12, फिर माइनस का साइन जब नीचे से ऊपर जाएंगे, और इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 1 इंटू माइनस वन, माइनस वन, एक माइनस पहले से हमारे पास, तो क्या होगा, प्लस वन, और किसके इक्वल है यहां से, 13 के इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार ए वन वन के बाद ए वन टू, क्या होगा, ए वन टू, ठीक है, ए वन टू का मतलब माइनस वन की पावर क्या होगी, वन प्लस टू, वन प्लस टू थ्री, इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ किसका होगा यहां पर, ए वन टू का मतलब माइनस वन है, कौन सा एलिमेंट है, माइनस वन, इसकी रो को डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचेगा, टू माइनस वन, और यहां से फाइव फोर, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनस वन की पावर क्या है, ओड, ओड में क्या होगा, माइनस वन इंटू में, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा यहां पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, एट, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, एक पहले से हमारे पास, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट माइनस थर्टीन, ठीक है। आगे तो कैलकुलेशन है सिंपली, इस तरीके से ए वन टू के बाद ए वन थ्री, ए वन थ्री यहां पर डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं किस तरीके से, ए वन थ्री का मतलब माइनस वन की पावर कितनी होगी, वन प्लस थ्री फोर, इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, वन थ्री का मतलब क्या, जीरो, जीरो के लिए इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है, और यहां पर डायरेक्ट इनका जो डिटर्मिनेंट होगा टू थ्री फाइव वन का क्या होगा, इन दोनों मल्टीप्लाई टू इंटू वन टू, फिर एक माइनस का साइन, और इन दोनों मल्टीप्लाई फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, माइनस वन की पावर फोर क्या होती है, इवन, इवन के रिजल्ट में प्लस वन, और इनका रिजल्ट क्या है, टू माइनस फिफ्टीन माइनस थर्टीन, ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन है। इसके बाद ए वन थ्री के बाद क्या है, इस टू के लिए इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ए टू वन, ठीक है, ए टू वन का मतलब माइनस वन की पावर कितनी होगी, टू प्लस वन थ्री, ठीक है। अब इस टू वन के लिए, इस टू के लिए इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम के डिलीट कर दो, क्या बचेगा, माइनस वन जीरो और वन और फोर, और इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, फिर एक माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाएंगे, वन इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इस तरीके से माइनस वन की पावर क्या है,
ओड ओड में एक माइनस साइन, और माइनस फोर माइनस जीरो माइनस फोर, माइनस फोर इंटू माइनस वन क्या होगा प्लस फोर, इस तरीके से। फिर ए टू टू, ए टू टू का मतलब माइनस वन की पावर टू प्लस टू कितनी होगी माइनस वन की पावर फोर, और फोर क्या होता है इवन, तो रिजल्ट वन, इस तरीके से ठीक है। फिर ए टू टू का मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट ए टू 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 का थ्री, ठीक है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है थ्री। थ्री के लिए इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम के डिलीट कर दो, क्या बचेगा वन जीरो फाइव फोर, इनका डिटर्मिनेंट वन इंटू फोर फोर, माइनस का साइन जीरो इंटू फाइव जीरो, तो रिजल्ट क्या होगा फोर, इस तरीके से ठीक है। फिर ए टू टू के बाद ए टू थ्री, ठीक है, ए टू थ्री का मतलब माइनस वन की पावर कितनी होगी यहां पर टू प्लस थ्री फाइव, और फाइव क्या होता है ओड, ओड के रिजल्ट में माइनस का साइन, इस तरीके से ठीक है। इनटू में ए टू थ्री का मतलब क्या है, इस माइनस वन मतलब सेकंड रो है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसका इसका डिटर्मिनेंट ठीक है, या फिर माइनस ठीक है, किसके इक्वल होगा, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम, और इनका जो डिटर्मिनेंट वन माइनस वन और फाइव और वन का डिटर्मिनेंट क्या होगा वन इंटू वन वन, माइनस का साइन, और फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, एक माइनस पहले से, तो इस तरीके से किसके इक्वल है वन प्लस फाइव सिक्स माइनस सिक्स, इस तरीके से। ए टू थ्री है ए, अब क्या होगा ए थ्री वन, ठीक है, ए थ्री वन का मतलब थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो क्या होगा माइनस वन की पावर इन दोनों का सम, थ्री प्लस वन फोर, और फोर क्या होगा इवन, इवन के रिजल्ट में प्लस वन इंटू, ए थ्री वन का मतलब फाइव, फाइव के लिए इसकी रो को डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचेगा माइनस वन जीरो थ्री और माइनस वन, इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा इन दोनों ही मल्टीप्लाई, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, फिर माइनस का साइन हम देंगे ठीक है, और जीरो इंटू थ्री जीरो, तो किसके बराबर है वन के। इसी तरीके से ए थ्री टू, थ्री टू का मतलब क्या है कि थर्ड रो है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है क्या हो वन, ठीक है, सबसे पहले माइनस वन की पावर कितनी होगी इन दोनों का सम, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव क्या ओड, तो माइनस वन इंटू में, अभी ए थ्री टू का मतलब क्या वन, वन के लिए इसकी रो छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, ठीक है, और इनका डिटर्मिनेंट वन इंटू माइनस वन माइनस वन, फिर माइनस का साइन, टू इंटू जीरो जीरो, तो किसके बराबर होगा यहां पर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, इस तरीके से। इसके बाद ए थ्री थ्री को फैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब फोर, ठीक है, इसका को फैक्टर सबसे पहले माइनस वन की पावर इनका सम, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स क्या है इवन, इवन के रिजल्ट में प्लस वन, इंटू में क्या होगा इंटू में, इस फोर के लिए इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, और इनका डिटर्मिनेंट वन इंटू थ्री थ्री, फिर माइनस का साइन, ठीक है, और टू इंटू माइनस वन माइनस टू, एक माइनस पहले से तो प्लस टू, तो किसके बराबर होगा फाइव के, इस तरीके से ठीक है। लेकिन यहां पर जो ध्यान रखने की बात वो क्या है कि जो फॉर्मूला क्या है माइनस वन की पावर आई प्लस जे, तो यहां तक तो ठीक है, इंटू में माइनर ऑफ, माइनर ऑफ जैसे यहां पर क्या था डिटर्मिनेंट, जैसे यहां पर रिजल्ट तो वन है, इंटू में इनका डिटर्मिनेंट ट्वेल्व प्लस वन, ठीक है, लेकिन यहां पर जो ध्यान रखने की बात क्या है वो यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, मतलब ये क्या है यहां पर मल्टीप्लाई के अंदर है, और इसका माइनर का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का मतलब जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स यहां पर ट्वेल्व है, वाई इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहां पर इसको ये नहीं लिख सकते कि हम वन इंटू ट्वेल्व और प्लस वन, तो किसके बराबर होगा, जैसे यहां पर तो बाई चांस थर्टीन के ही इक्वल है, लेकिन यहां पर डिफरेंट होगा कई केस में, किस तरीके से, जैसे यहां पर मान लीजिए, जैसे यहां पर माइनस वन इंटू एट लिखते हम और प्लस फाइव इस तरीके से, तो किसके बराबर होगा माइनस एट प्लस फाइव माइनस थ्री, लेकिन रिजल्ट क्या हमारे पास माइनस थर्टीन, तो यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, किसके बराबर होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, कौन सी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर से बनी होगी, मतलब ए वन वन क्या था हमारे पास
13, ठीक है, फिर ए वन टू माइनस 13, इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको लिख लेते हैं यहां पर। फिर ए वन थ्री का मतलब फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो क्या है, माइनस 13, इस तरीके से, ठीक है। ए टू वन कितना, 4, फिर 4, फिर माइनस 6, और थर्ड रो के लिए क्या है, 115, इस तरीके से। और इनका क्या, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर, मतलब 13 माइनस 13 माइनस 13, इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर, 4 4 माइनस 6, ठीक है, और फिर क्या होगा, थर्ड रो को किसके अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर, 115, इस तरीके से आंसर है, ठीक है। लेकिन जो एडजॉइंट होता है, क्या एडजॉइंट किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है, थर्ड बाई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी, यहां पर डिटरमिनेंट नहीं है कि यहां पर जैसे 13 13 13 है कि 13 कॉमन ले लेना, अगर कोई फैक्टर है, कोई फैक्टर है और एलिमेंट में से कॉमन है तो यहां पर मल्टीपल में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि क्या है कि किसी पर्टिकुलर रो के अंदर है, ठीक है, यहां पर कॉलम के अंदर है, इस तरीके से, ठीक है। हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं थर्ड ऑर्डर का, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।